विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्राचार्यों और विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान राज्यपाल मिश्र ने कहा कि प्रकृति से सामंजस्य बिठाते हुए विकास की राह पर हमें आगे बढ़ना होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो प्रकृति अपने दम पर सुधार करेगी और तब हमें प्रकृति का रौद्र रूप दिखाई देगा, जैसा इस समय कोविड-19 के दौर में हो रहा है। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि कोविड-19 यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार ही विकास के नए मार्ग तलाशने होंगे, साथ ही प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण को हर हाल में रोकना होगा। गुरुकुल में गांव के अंदर ही बढ़ई भी होता था, लोहार भी होता था, कुहार भी होता था, हर प्रकार के लोग होते थे जो लोगों के दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराते थे। अब उस दिशा में जाना पड़ा है और इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, लोकल वोकल, लोकल ही वोकल होगा। सारी उसको वैश्विक स्वरूप प्रदान करें। पहले जो कुटीर उद्योग धंधे थे, उन कुटीर उद्योग धंधों के माध्यम से प्रदूषण मुक्त करते हुए सारी चीजों को निर्माण करते थे और वह स्थानीय स्तर पर लोक उपयोग में तो आता ही था, लेकिन वैश्विक स्तर पर उसका निर्यात भी होता था, उसका एक्सपोर्ट भी होता था और उस आधार पर आर्थिक अर्जन भी करते थे। अब उस दिशा में आज एक अवसर भी